लोग देख रहे हैं आज का पहला पार्ट जो कि सीटेट एग्जाम में 20/12/2021 को क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये आपका पेपर टू है और सब्जेक्ट साइंस है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं सीटेट का। और साइंस में आपका क्वेश्चन जो है 61 से शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हाउ मेनी इमेज विल फॉर्म इफ यू स्टैंड बिटवीन टू प्लेन मिरर पोजिशन पार्लर टू इच अदर इन ए ट्रायल रूम ऑफ ए गारमेंट शॉप। कपड़े की दुकान में हम लोग देखते हैं गारमेंट शॉप में कि पार्लर शॉप पार्लर प्लेन मिरर अगर रखा गया है तो कितना इमेज इसके बीच में फॉर्म होगा। यहाँ इस पर जो प्लेन मिरर है इस पर कितना इमेज फॉर्म होगा ये आपका सवाल है। अगर वेस्ट एंड पर हम लोग यहाँ खड़ा रहते हैं तो कितना इमेज फॉर्म होगा। टू फॉर्म होगा, वन फॉर्म होगा, फोर फॉर्म होगा और इन्फिनिटी फॉर्म होगा। तो आपका इसका अनंत फॉर्म होता है इमेज। अगर दो इमेज पैरेलल रखा जाए प्लेन मिरर, शर्त भी है आपका प्लेन मिरर होना चाहिए। आइए अगला इसका हिंदी भी देख ले रहे हैं। किसी वस्त्रालय के ट्रायल रूम में ट्रायल कमरे में यदि आप दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपका असीम बनेगा, इनफिनाइट बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ए पीस ऑफ कॉपर इज ए पुट इन ए टेस्ट ट्यूब। आपका एक टेस्ट ट्यूब है इसमें एक पीस ऑफ कॉपर रखा जाता है और इसमें क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। ए पीस ऑफ कॉपर इज ए पुट इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग HCl। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ट्रू। और इसमें से आपका कौन सा सही है जो स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन ये स्लो, पॉपअप साउंड इज ए हार्ड और कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेज है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। HCl के साथ नो रिएक्शन होगा, आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हिंदी भी देख लेते हैं हम लोग। एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है, इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। कोई अभिक्रिया नहीं होगा। आपका ऑप्शन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। इट इज ऑब्जर्व दैट द कॉपर वेसल्स गेट फॉरवर्डेड इन द रेनी सीजन टू गिव। कॉपर से बारिश का मौसम में आपका कॉपर वेसल्स जो है आप क्राउडेड हो जाता है ऊपर से, और क्राउडेड होकर क्या देता है आपका रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर टू ग्रीनिश कोटेड ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर थ्री व्हाइट कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर फोर ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड कॉपर कार्बोनेट। आपका ग्रीनिश कोटेड ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। क्या बनता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बनता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा। आपका बेकिंग सोडा करता है, सिरका करता है, नींबू का रस करता है, कोई व्यंजक करता है। आपका बेकिंग सोडा क्या करता है रेड टू ब्लू लिटमस कन्वर्ट करता है और व्यंजक व्यंजक आपका इंग्लिश देख लेते हैं। व्यंजक आपका ब्लीच ब्लीचिंग पाउडर ही रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो आपका दो है, एक है बेकिंग सोडा एक व्यंजक, तो ए एंड डी। आपका ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
ये इंग्लिश में है आपका क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग हाउसहोल्ड सबस्टांस विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, द बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ए एंड डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मटेरियल डैट बर्न्स विथ ए फ्लेम। ऐसा मटेरियल का आइडेंटिफाई कीजिए जो फ्लेम के साथ चलता हो। तो कैम्फर मैग्नीशियम आपका जलता है, कैम्फर कोल है, कोल क्रिसन है, क्रिसन एंड चारकोल आपसा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, आपका कैम्फर और मैग्नीशियम साथ में रहता है तो फ्लेम के साथ चलता है। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं, आपका कपूर एंड मैग्नीशियम। आज के लिए इतना ही। अब हम अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं, मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन का नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब थैंक यू।